लेकिन दूसरे के दूसरे के साथ होगा ना। मैंने एक औरत एक बच्चे को पेट में रखती है ना, वो सोच के ही तो अपनी होगी अपनी बात को कहने का रखने का। या तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं है तो बस कहा मैंने उनसे दर्द मेरे से सहन नहीं हो रहा, मेरे को भेज दो तो नहीं भेजा उन्होंने। आप अकेले तो कैसे गए हो अपनी दुकान से? अच्छा जी ठीक है ठीक। 4 बजे पहुँचे। 4 बजे पहुँचने के बाद उन्होंने एनिमा लगाया, फिर वो बाहर गई। उसके बाद वो अंदर ले गए 6 बजे कमरे में। 6 बजे के बाद उन्होंने 12 बजे तक कमरे में बंद कर रखा था। जब मेरे को थोड़ा पेन आ रहा था तो मैंने कहा नहीं है मेरा बस का, ऐसे कहा तो उन्होंने आने ही नहीं दिया, कुंडी लगा दी अंदर से। जैसे ही चारपाई से मैं बाहर नीचे को उतरती हूँ तो वैसे ही हाथ पकड़ के फिर लेटा देते हैं अल्ठे। फिर कह रहे थे फिर जो लोग ऐसे ऐसा करो करके। उसके बाद दोस्त ने उनको मिलाया, उन्होंने जैन से को उन्होंने बहुत मारी फिर हाथ पकड़ के। मैम ने भी मारी जो डॉक्टर नहीं थी, और वो जैन से ने भी मारी। आशा भी अंदर ही थे, आशा से कहने लग गए तुम पहले दिखाने के लिए नहीं आते हो, यहाँ जांच करवाने के लिए नहीं आते हो, ऐसे कैसे स्कूल आते हो, कहने लग गए उनसे। कैसे डिलीवरी हुआ, क्या हुआ? डिलीवरी वो पेन हो रहा था बहुत ही, बार बार पेट में हाथ लगा के नीचे को दबा रहे ठहरे सर। चारपाई से नीचे आई फिर बैठ के हुआ डिलीवरी। ये ताकुला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है। कल हम 5 बजे वहाँ आए थे डिलीवरी केस के लिए, तो डॉक्टरों ने चेक किया, रात के 1 बजे तक वहाँ रखा। और उसके बाद जब मामला सीरियस होने लग गया तो उन्होंने हमें अल्मोड़ा के लिए रेफ़र किया, और डिलीवरी वहाँ हो गई थी। तो यहाँ अल्मोड़ा लाए जब तो यहाँ डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया, और बहू की स्थिति ठीक नहीं है। तो आगे क्या बहू के साथ अभद्र व्यवहार किया डॉक्टरों ने? और बच्चा किस तरह से डेथ, बच्चा वहाँ से तो जिंदा ही था, यहाँ यहाँ डेड हो, यहाँ डॉक्टर ने डेड घोषित किया। डिलीवरी में दोषी तो हुए फिर वो, क्योंकि डिलीवरी सही नहीं हुई ना वहाँ पर। क्या लापरवाही? लापरवाही मारपीट करना। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर आके पीड़िता से मिली और उनसे जानकारी प्राप्त करी। उसके बाद आशा कार्यकर्ती का नंबर लेके, जो कि ये ताकुला ब्लॉक से हैं, उनसे बात करी, पूरा मामला उनसे सुना। तो उनके अनुसार भी बताया गया कि पीड़ित महिला के संग मारपीट हुई है डॉक्टर्स द्वारा। तो जो इनकी फैमिली के मेम्बर्स हैं, जो इनके हस्बैंड हैं और जो इनके ससुर जी हैं, वो लोग काफ़ी थोड़ा डरे हुए हैं। तो मैं भी इनसे ज़्यादा तो फोर्स नहीं कर सकती हूँ, जितना ये चाहेंगी उतनी ही कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने अपने हमारे जो सचिव सर हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के, रविशंकर मिश्रा जी, उनसे वार्ता करके बात को उनके सामने रखा कि हम लोग क्या क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो हम पीड़िता के कहने के अनुसार ही इनकी सहायता करेंगे। अगर